नमस्कार अर्गस न्यूज रूम को स्वागत करछि मु कमलाकांत। महांगा डबल मर्डर घटना रे मंत्री प्रताप जेना ना सामना को आसीथिला, एहा परे तांकर ना चार्जशीट हटिला। एबे प्रश्न उठुछि जदि मंत्री पदरे से रहिबे एवं बीजेडी रो जने पावरफुल नेता एते पावर तांको पाखरे अछि तेबे तदंत किभली भाबरे निरपेक्ष हेबो। कांग्रेस रास्ता कोलाइथिला, आंदोलन करथिला, आज बीजेपी मध्ये आंदोलन करछि। महांगावासी न्याय मागुछंती जे जो हत्या होइतिला सेथिरे जदि प्रताप जेनाक संप्रीति अछि तांकु तदंत परिसरभुक्त करा जाउ एवं तांको विरोध रे जहां सब दफा लागिछि ता परे भी से किभली मंत्री पद रहिछंती गतकाली आमे देखथिले। कांग्रेस रण हुंकार देथिला, आज बीजेपी मध्य समान अभियोग आणुछि जे मंत्री जो रहिछंती प्रताप जेना तांको विरोध रे एते संगीन अभियोग रहिछि। गतकाली मध्य अर्गस महा खुलासा करथिला जो प्रफुल्लंक सिम कार्ड को लेकि जे फोन रे सिम कार्ड गला कुआडे एवं हत्याकारी पाखे से सिम कार्ड थे बोली जहाँ चर्चा हो सबू भितर सबुठ बड़ प्रश्न जदि पदवी में रे मंत्री रे पावर रे विरोध में ठीक भाव तदंत हो पार कि शासक दल रोटे बड़ ना बड़ मंत्री जदि से पावर रे विरोध में पुलिस प्रशासन ठीक भाव कम करना ना ये अभोग दीर्घ दिन धरी दाबी रही। आज बीजेपी पक्षर प्रतिवाद करा जाउछि, गतकाली कांग्रेस पक्षर राजधानी रे ए प्रसंग उठिथिला मंत्री इस्तफा दियंतु एवं तदंतर सम्मुखीन होंतु जदि से किछि करनांती तबे डरुछंती काहेकि एवं एते सब अभियोग परे भी से कोन पई पदवी रे रहिछंती ए सब प्रश्न भितरे आज बीजेपी पक्षर धारणा दिया जाउछि एवं विक्षोभ करा जाउछि। एवं गतकाली देखिथिले आमे कांग्रेस कथा देखिथिले एवं गतकाली अर्गस जो महा खुलासा करथिला जे जो प्रफुल्ल रहिछंती तांकर सिम कार्ड गला कुआडे एवं हत्याकारी पाखरे से सिम कार्ड थाईपरे बोली मध्य जहाँ चर्चा होउची जो जेनायार्ड कथा उठुथिला ताकु मध्य नेके प्रश्न उठुची। तो महांगा डबल मर्डर घटना रे संदेह भितरे रही आसछंती मूळठु एवं सबुठु बड़ कथा होउची जेतेबेले चार्जशीट तांको ना उठा जाउची एवं से वर्तमान पर्यंत भी तांको विरोध रे ना कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जाउची ना तांकु तदंत परिसरभुक्त करा जाउची ना से माने तदंत दायित्व जेहेतु रही पुलिस प्रशासन रही जदि मंत्री बीजेडी रो बड़ नेता मंत्री प्रताप जेना जदि पावर रोचार विरोध में किभली भाव में निरपेक्ष तदंत हो पार ए प्रश्न राज्यवासी पचारोधी पचारदी से किसी करना तेज से डरुंच कहीं तदंतर सम्मुखीन हूँ प्रथम नैतिकता दृष्टि इस्तफा दिंतु वो पर्यटन तदंत शेष नई से आटलिस्ट पावर न रुंतु यह दावी बारंबार राजनैतिक दल एवं राज्यवासी एवं महांगावासी पक्षर उठी आसी ये जो मर्डर घटन वर्तमान पर्यंत भी चापर रुचार किंतु तथापि भी पद जाऊनी से इस्तफा देना नैतिकता दृष्टि एवं जहाँ गत काली आम देखूँ महाखुलासा अर्गस होता जितेबले प्रफुल्लंक सिम कार्ड को लेकिन आसी पुलिस कहूँ जे जो मोबाइल मिली से सिम कार्ड नाला सबुठ बड़ प्रश्न जे पुलिस चाहते कॉल रेकॉर्ड वर्तमान पर्यंत जांच कर पारी था एवं जो सिम कार्ड कुआ गला ताकु नहीं मध्य अनेक प्रश्नवाची सृष्टि होची। तबे महांगा डबल मर्डर को लेकिन विधानसभा नहीं कि राजरास्ता पर्यंत महांगा ठू नहीं कि राजधानी भुवनेश्वर पर्यंत स्वर उठुची बारंबार केवल राजनैतिक दल नुहंती महांगावासी एवं राज्यवासी प्रश्न उठाउछंती। तबे गत काली जो महाखुलासा होता अर्गस मंत्री प्रताप जेना सुरक्षा रे पुलिस थिबा एवं बड़ षड्यंत्र होइतिबा अभियोग आसीथिला एवं हत्याकारी पाखरे मृत अभियुक्तर सिम थिबा चर्चा होउछि एवं दुशासन जेना स्टॉकयार्ड रे एई जो सबुर पूरा प्लानिंग होइतिबा मध्य अभियोग आसुछि एवं प्रफुल्ल विश्वाळंक निकटरु जबत होइतिबा मोबाइल रे किभलि सिम कार्ड नथिला ताकु नै मध्य संदेह बढ़िबार लागिछि। तबे जदि देखिबा पूरा घटनाक्रम को जे काबुआ रो जबत होइतिबा मोबाइल सिम नथिला एवं काबुआ तांकु फोन करथिबा कथा कहिथिले मृत कुलमणि बराळंक पुओ रमाकांत बराळ। तबे एई घटना संपर्क अधिक आलोचना पई आम सहित आम एसोसिएट एडिटर शिवानंद दास रहिछंती। शिवानंद आपण ए घटना को पूरा मूळरु देखि आसुछंती बारंबार मंत्री ना आसुछि किंतु वर्तमान पर्यंत भी से ना नैतिकता दृष्टि से इस्तफा देउछंती ना दल पक्षरु तांको विरोध में कार्यानुष्ठान होउछि केवल महांगावासी बा राज्यवासी नुहंती विरोधी दल मध्य से समान अभियोग आणुछंती जदि से पदरे रहिबे जदि से पावर रहिबे तदंत किभली भाव में निरपेक्ष हेबो एवं से कोन पई तदंत को प्रभावित न करूथिबे ए संदेह धारणा होउछि ना रे। देखंतु कमलाकांत सीधा सड़क गोटे कथा कहीपरिया पा मंत्री प्रताप जेना एक प्रकार राज्य सरकार को पाई बाजी लगी कहले कि भूल हम ना कारण आपत देखु
जेपरी भाव जानुरी मस दुई तारिख दिन महांगार नृतांग ग्राम पंचायतर जी अच्छा बीजेपी वरिष्ठ नेता तथा पूर्वतन ब्लॉक चेयरमैन कुलमणि बराल और दिव्यसिंह बराल को जेपरी भाव हत्या करागला जो कथा कहगला कि नुआ वर्ष आरंभ रू महांगारे दुईट मुंड गड़ा यही घटना को नहीं थाना रे मामला दायर करा कर 14 जन ना एतला दायर करा कर जो थे 13 नंबर अभियुक्त भाव रही थे खोद मंत्री प्रताप जेना तेरे मंत्री प्रताप जेना संपृक्ति को नहीं से दिन ठार एक प्रकार राज्य आंदोलन जारी रही सरकार को ऊपर चाप रही प्रतिवाद प्रकाश कर राजनैतिक दलगुड़ी पक्षर किंतु राज्य सरकार कहीं चुप बसी निश्चिंत भाव बड़ प्रश्न सृष्टि होवल आपत 2021 मसीहा घटना देखत ना या पूर्व 2014 मसीह दीप्तिकांत साहू बोली जड़े युवक को हत्या कर अभोग आसी 2018 मसीह विकास जेना को हत्याकांड घटना पदाक आसी जो थर कि आवास महादुर्नीति घटना सीधा सीधा लोकलोचन को आसी एवं मंत्री प्रताप जेना संपृक्ति नहीं अभियोग आसूला कितु गोटे कथा कहुपर जितेबले महांगा डबल मर्डर घटन 13 नंबर मुदाला भाव रही जितेबले महांगा पुलिस चार्जेस चार्जसीट रु काटिदेला यही घटना को नहीं सेतेबले सालेपुर जेएमएफसी कोर्ट जितेबले निर्देश देते सानी तदंत करने वर्तमान पर्यंत सानी तदंत होना किंतु गत काली गृह राष्ट्रमंत्री जी अच्छा कैप्टन दिव्यशंकर मिश्र सीए कहते जे कोर्ट का निर्देश अनुसार कार्य होती बड़ प्रश्न होगी गत 26 तारीख ठारू मान्यवर कोर्ट का निर्देश आसला तेरे एत दिन पर्यंत कहीं राज्य सरकार चुप बसी कहीं मंत्री प्रताप जेना को घंट घोड़ाऊ निश्चिंत भाव बड़ प्रश्न सृष्टि कारण जो कथा कहुला कि महांगा डबल मर्डर घटनार मुख्य अभियुक्त जी कहला प्रफुल्ल विश्वाल ओरफ काबुआ जी कि दुई नंबर अभियुक्त भाव रही मृतदेह टांगी निकट रू मिली जो स्थान कि मंत्री प्रताप जेना पर मालिकाना दुशासन जेना यार निकट रू मृतदेह को मिली तबे गोटे कथा कहुची जो कथा कि विरोधी कांग्रेस पक्षर अभियोग बीजेपी पक्षर अभियोग गोटे दुर्घटना नुह बर एक हत्याकांड तेणु यही हत्याकांड घटनार तदंत कर आवश्यकता रही द्वितीय कथाटी देखु जी कहते प्रफुल्ल विश्वाल दुर्घटना मृत्यु होगा किंतु तांकर गाड़ी संपूर्ण भाव सुरक्षित रहा हेलमेट संपूर्ण भाव सुरक्षित रहा किंतु तांकर मोबाइल रु सीम कुआड़ गला निश्चिंत भाव बड़ प्रश्न सृष्टि करुचे कारण तांकर जो मोबाइल सीम कथा कहुची से मोबाइल मध्यम सीए कुलमणि बराल पुओ रमाकांत बराल सहित कथा होते पर लगला बोली नना बोली संबोधन करते जो कथा को लेकिन महांगा थाना एतला दायर करते रमाकांत बराल तेरे कौन पाई पुलिस से घटना को गुरुतर सहित नहीं ना यही घटना सीधा सड़क काठगड़ा को आसी महांगा पुलिस एवं चर्चा रही पुलिस अधिकारी पीके जेना जी हूं मंत्री प्रताप जेना दूर संपर्क तांको ना को मध्य नहीं बद को आसी तेणु गोटे कथा कमलाकांत कहींपर कौटिना कौटिए घटना को एक प्रकार चापी देवाई चाप पड़ी से अदृश्य शक्ति क्योंटू आसूसी कारण राज्य सरकार जे पावरफुल मिनिस्टर तीन विभाग मंत्री जितेबाला आईन विभाग मंत्री विरुद्ध जड़े आईआईसी तदंत कले तदंतर सुफल मिल तो कारण जितेबाला राज्य सरकार तदंतकारी संस्था उपरे वर्तमान प्रश्नचिह्न सृष्टि होइछि वर्तमान आईन मंत्री पाख माड़ीपर तो ओडिशा पुलिस निश्चिंत भाव बड़ प्रश्न सृष्टि करिछि कमलाकांत निहाती आईन मंत्री रही विरोध में राज्य सरकार बा आईन किभली काम करिबो संदेह निहाती भाव हो गत काली जो अर्गस महाखुलासा होता जो सिम कार्ड को लेकिन प्रफुल्लों सिम कार्ड को लेकिन किभली देखुंट पुलिस बयान को कारण जदि सिम नथिला तबे से सिम कहाँ पाखे अच्छी कॉल रिकॉर्ड जांच करी ना नहीं पुलिस तो एते विलंब पर पुलिस कौन पे ए बयान जाणीशुणी दे मंत्री काले किसी क्षति हे मंत्री किसी गुमर फिटिजी से भाई बयान पुलिस पक्ष जारी करुँचे देखंतु कमलाकांत प्रथम रु घटना जितेबले विवाद को आसी सेतेबले जी कांग्रेस हूँ बा बीजेपी पक्षर गोटे कथा बारंबार अभियोग करा जाउची जी अच्छा मंत्री प्रताप जेना पीए बापी विश्वाल जी कि महांगा राजनीति को नियंत्रण करती महांगा राजनीतिर प्रत्येक घटन से जड़ित था मोबाइल कॉल जांच करने दाबी करा किंतु एपर्यंत ये बापी विश्वाल अच्छा फोन कॉल जांच करा जाए
किंबा मंत्री प्रताप के आपन पाउ फेर भी अटकिया पई चाहि भी कारण वर्तमान हम सहित हम भुवनेश्वर प्रतिनिधि प्रदीप्त जोड़े छथि जोंठी की बीजेपी आज प्रतिवाद करूछि सीधा सळ प्रदीप्त को पाखु जाय पई चाहि प्रदीप्त कोन अधिक अपडेट रहूछि बीजेपी बारंबार दाबी करि आसुछि जे मंत्री इस्तफा दियंतु बा न्याय रे सहयोग करंतु कारण पावर रे रहिले निरपेक्ष तदंत हेबनी वर्तमान सेठी कोन स्थिति रहिछि एवं बीजेपी रो दाबी कोन रहिछि आज कमलाकांत जो कथा आपण कहले आज दुईटी प्रसंग को लेकिन बीजेपी राजरास्ता को ओल्लैसी विधानसभा चालो अभियान आरंभ कर देखिपे शताधिक बीजेपी कर्मी वर्तमान अहेतुक विद्युत शुल्क वृद्धि प्रतिवाद रे विधानसभा चालो बोली आह्वान देखते शताधिक बीजेपी कर्मी एकाठी होती द्वितीय प्रसंग जहाँ रही सबुठ गुरुत्वपूर्ण एवं सबुठ संवेदनशील प्रसंग जे किपर भाव दुईज व्यक्ति को हत्या कराला और से हत्या घटना को चापी देवाई बारंबार उद्यम करागला कारण ए घटन आईन तथा पंचायतराज मंत्री प्रताप जेना संपत्ति अभियोग आसला बारंबार अभियोग आसला ना प्रथम चार्जसीट्रे चार्जसीट्रे उल्लेख करसीट्रु कटाला तेरह नंबर मदला भाव ना हत्या भली 302 दफा संगीन दफा लगला कितु बर्तमान सुधा आईन मंत्री ना जेरा कराई ना कौन कार्यानुषान होमती तमाम अभियोग रही केवल जे घटना बीजेपी उठाई तुम पूर्व कांग्रेस उठाई किंतु बीजेपी आज युद्ध ही डाकरा दे गोटे प्रकार सरकार को यह नीति आज पखापाखी 500 ऊर्ध कर्मी एकाठी होती मास्टर कैंटीन छक सीधा साल से विधानसभा अभिमुखे बाहरी जो सरकार जो अजब नीति ताकि प्रश्न उठाई आईन मंत्री जदि ये गोटे आईन मंत्री को जब संपुक्ति अभियोग आसूँ तेज अन्न्य अन्य घटना उपर कौन कहो से कहते विशेष भाव में एटी जो नेता मैंने अच्छा बाबू सिंह अच्छा दिलीप महांत अच्छा से प्रतिक्रिया नौलू से नहीं अभियोग आणुच्चे किपर भाव गोटेपटे राज्य सरकार विद्युत दल विद्युत दर वृद्धि कर लोक साधारण खाउटी मान बोझ लदुंट आउ गोटेपटे जितेबाला साधारण लोक सुरक्षित नहांती जदि से आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना दुर्नीति विरोध में स्वर उत्तोलन करते हत्या करा निर्मम भाव हत्या करा एवं जो जे भी मुख्य अभियुक्त घटन थे कहला प्रफुल्ल मल्लिक गाड़ी चढ़ाई मारि दिगला मोबाइल मिलला कि मोबाइल सिम मिलला ना से सीम कड़ेगला प्रश्न तब आम से प्रतिक्रिया ना बाबू सिंह आम सहित उपस्थित अच्छा से प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कहे आप पूर्व अनेक थर आंदोलन करफिस् घेराव कर पूर्व अनेक थर राजस्ता को किंतु वर्तमान सुधा आईन मंत्री को ऊपर गोटे भी सिंगल कार्यानुषान तेरे आम प्रतिक्रिया ना परवर्त समय जो रैली रही तबे ए प्रदीप्त थिले आम भुवनेश्वर प्रतिनिधि अधिक अपडेट दौले तबे पुणि थे फेरिया चाहिए आम एसोसिएट एडिटर शिवानंद दास आम सहित जोड़े रही शिवानंद मैं आलोचना करुले जे मंत्री किभली भाव में पावर और सन्देह भूमिका रोचे और पुलिस भूमिका सन्देह करके आसूँ आम आलोचना करते गत काली अर्गस महाखुलासा उपर जो सीम कार्ड को लेकिन वर्तमान से सीम कार्ड के जो सीम कार्ड थियोरी मंत्री को बचाईपाई मंत्री गुमर काले फिटिज कि प्रयास करा कि गोटे बड़ षड़ आप देखते कि देखो कमलाकांत गोटे कथा कहुपर आप देखु जितेबले जी मुख्य अभियुक्त थे जहाँ कथा कहु कि प्रफुल्ल विश्वाल ओरफ काबुआ जितेबले से रमाकांत बराल को फोन करते तार 48 घंटा पर मृतदेह उधार करा जहाँ को कि दुर्घटना जनित घटना बोली कहुला कितु ये प्रश्न उठू जदि जी अच्छा काबा और प्रफुल्ल विश्वाल सी से गत मस एक मस धरी फेरार रही है कारण महांगा डबल मर्डर घटना जेबेटी घटी तार पखापाखी ठीक एक मस पर प्रफुल्ल विश्वाल मृतदेह मिलता तेणु ये कहुपर जो एक मस धरी प्रफुल्ल विश्वाल रही है सी का सहित कथा होते मोबाइल कॉल जांच कले मिल कितु गोटे कथा कहुपर जितेबले सीम कार्ड टाक मिलूनी ये नहीं बड़ प्रश्न उठू कि गोटे कथा देखूँ जितेबले तदंतकारी टेक्निक गुड़िक बहुत आग को चली जा तेणु ये पुलिस चाहिए ही से सीम कार्ड को बाहर कर एवं का सहित कथा होते का सहित से जोजोग रही थे ये समस्त विषय जापर कि गोटे घटना जहाँ आसूँ मुख्यतः जितेबाला घटना रे जड़े मंत्री अच्छा जी कि तीन तीन विभाग मंत्री अच्छा
ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଏବଂ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗ ପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତିନୋଟି ବିଭାଗର ପଦବୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛୁଇଁବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆଗଭର ହେବ ତ? କାରଣ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ପଲ୍ଲୀଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋହାଲ୍ଲା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଡିଜି ଅଫିସ ଘେରାଉ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଡିଜି ଅଭୟ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଯେପରି ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ରୁ କାଟି ଦିଆଗଲା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପୋଲିସର ଭୂମିକାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଘଟଣା। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ରହିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଉଛି, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାମଲା ପଦାକୁ ଆସିଥିଲା ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ 14 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଫା 120B, 147, 148, 302, 506, 149, 25, 27 ଭଳି ଦଫା ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ସିଧାସଳଖ ଆମେ କହିପାରିବା 14 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ଦାୟର କରାଯାଇଥିଲା। ଏତଲାରେ 13 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ରହିଥିଲେ ଖୋଦ୍ ମାହାଙ୍ଗା ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲେ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ, ଯିଏକି ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଯିଏକି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ କୁହାଯାଉଥିବା ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ। 2 ନମ୍ବର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ରହିଥିଲେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ, ପ୍ରମୋଦ ବିଶ୍ୱାଳ, ଲଳିତ ମୋହନ ବରାଳ, ବିଜୟ କୁମାର ବରାଳ, ଉମାକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, କ୍ଷିତିଶ କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମଳୟ କୁମାର ବାରିକ, ସନ୍ତୋଷ ରଞ୍ଜନ ପାଣି, ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ସେଠି, ଚୈତନ୍ୟ ସେଠି, କୈଳାସ ଖଟୁଆ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବିଜୟ କୁମାର ବରାଳ ଯିଏ ଏବେ ଫେରାର ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଧରିପାରିନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଏପରିକି ସିଏ ଜଣେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ ଦରମା ନେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେତେବେଳେ ମାମଲା ଆସୁଛି ତାଙ୍କର ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେମାନେ, ଯେ ପୋଲିସ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ଏବଂ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଘରକ ଆସୁଛି। ତେବେ କୋର୍ଟ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇବେ? ଏ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସୁଛି, ତାପରେ ବି ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉନି, ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଓହରି ଯାଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଲାଗୁଛି, ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଆସୁଛି, ତଦନ୍ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ଏକଥା, ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏକଥା ବିରୋଧୀ କହୁଛନ୍ତି। ମାହାଙ୍ଗାବାସୀ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଯେ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଏହାପରେ ଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଥିଲା ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ବଦଳାଅ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ନା ପୁଣି ଥରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାପରେ ପୁଣି ଥରେ ତଦନ୍ତ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ କମଳାକାନ୍ତ, ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ନୀତି ନୈତିକତାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାହାଙ୍ଗାରେ ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡରଟି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏହି ଘଟଣା ସହିତ ବିଗତ ଦିନରେ ହୋଇଥିବା 2018 ମସିହା ବିକାଶ ଜେନା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହେଉ ବା 2014 ମସିହା ଦୀପ୍ତିକାନ୍ତ ସାହୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। କାରଣ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବିଶ୍ୱାଳ ସିଏ ଉଭୟ ଘଟଣାର ମୁଦାଲା ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଥା କି ଗତକାଲି କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ପୁଣି ଥରେ ସାନି ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହିଥିଲେ କିପରି ଭାବେ ତଦନ୍ତର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆସିବ? କାରଣ ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଇନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ, କେବଳ ଆଇନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ହାତରେ 3-3ଟି ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି ଏହା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାରଣ ଗତକାଲି ଯେପରି ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବିଧାନସଭାରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି, ସେ ସିଧାସଳଖ ଉତ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯଦି ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇକି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜରାସ୍ତାରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ହୋହାଲ୍ଲା କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, ଯଦି ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହେବା ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କାରଣ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରେ ରହିଲେ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କାଠିକର ପାଠ ହେବ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବେ ତା ତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ
प्रथम रु जेतेबेले ए घटना पदा को आसीची डीजी ऑफिस तारु घेराउ करा जायची महांगारे प्रतिवाद करा जायची राजधानी रे मध्य प्रतिवाद करा जायची महांगारे मध्य पदयात्रा करा जायची जेतेबेले एते सब कार्यानुष्ठान पई जेतेबेले दाबी करा जाउची साधारण लोक दाबी करूचंती प्रतिवाद करूचंती किंतु राज्य सरकार कोन पई नीरव रहिचंती निश्चिंत भाबे बड़ प्रश्न सृष्टि होबा कथा अन्य पक्ष रे ग्रामांचल जो कटक ग्रामांचल पुलिस अछि सीधा सड़क विवाद को आसुची कारण महांगा पुलिस रो कार्य को नहीं एते बड़ प्रश्न उठुची जे सीधा सड़क जने मंत्री विरुद्ध रे एक्शन नहीं पारिबो तो सेतिपाई विरोधी माने तांको जिद रे अटल रहिचंती एवं दाबी करूचंती प्रथमे मंत्री जी अछंती महांगार विधायक मंत्री प्रताप जेना निज पदवीरु इस्तफा देवा दरकार जदि से निज पदवीरु नैतिकता दृष्टिरु इस्तफा देउनांती ताहले मुख्यमंत्री एतिरे हस्तक्षेप करंतु एवं तांको मंत्रिमंडलरु बहिष्कार करंतु जदि तांको मंत्री राज्य सरकार नीति नैतिकता कथा कहते स्वच्छ भावमूर्ति कथा कहुच्छी फाइव टी कथा कहुच्छे कितु यार भितर एत बड़ अभोग बीजेडी पावरफुल मंत्री प्रताप जेना आईन मंत्री कब्जा रही आईन विभाग विरोध में आईन विभाग किभली काम कर पुलिस प्रशासन किभली पाखे पहुँची पार ए प्रश्न राज्यवासी पचार केवल विरोधी नुंती राज्यवासी एक नहीं कि सन्देह दृष्टि देखुंत तदंत को लेकिन बारंबार मूलर ही प्रश्न उठी आसी शेष प्रतिक्रिया आपंठू नापी चाहिए जे वर्तमान जिते विरोधी विधानसभा पहुंची राज्य रास्तार तो आंदोलन चलती महांगा मटी तो न्याय बारंबार दाबी उठू यार भितर मंत्री पाखे एत पावर रही से ना इस्तफा निजे देना तदंत कि भाव में प्रभावित न हो प्रथम से पूर्वर आम बारंबार देखे आसीचु जो से निज बैट्रे कही तदंत दायित्व से निजे नहीं कितु विरोध में अभोग हो चार्जसीट्रु ना हटि जा भितर किपेक्ष तदंत हो प्रश्न राज्यवासी पचार देखो कमलाकांत जितेबले घटना पदा को आसीला जितेबले 13 नंबर अभियुक्त भाव महांगा पुलिस नाम एतला रे रखी था मंत्री प्रताप जेना ना किंतु क्यों परिस्थिति रे तांको ना को काटी दिया गला एवं क्यों पुलिस अधिकारी तांको ना काटिले ता तो बड़ वितर्क विषय कारण जितेबले कुआ जाउची कि परिवार पक्षर अभियोग करा जाउची सीधा सड़क ये घटन मंत्री संप्रुक्ति रही मंत्री पीएंकर संप्रुक्ति रही जी अच्छा विजु जनता दल आगधाड़ी नेता महांगा अंचल से मध्य संप्रुक्ति रही तेणु जितेबले एटा गोटे एत बड़ संवेदनशील प्रसंग तेणु राज्य सरकार यहाँ गुरुतर सह ग्रहण करार आवश्यकता रही कारण विगत दिन में देखा मिली राज्य सरकार मंत्रिमंडल मंत्री मान विरुद्ध जिते अभोग आसी प्रथम मंत्री पदवीर इस्तफा दे नजीर रही किंतु एटी प्रश्न उठू कौन मंत्री प्रताप जेना को सुरक्षा दि जाए किए घंट घोड़ा दिखाई कहार अदृश्य शक्ति क्यों अदृश्य शक्ति रही जहाँ शक्ति बल से वर्तमान संपूर्ण भाव सुरक्षित अवस्था रही विरुद्ध पुलिस जपरी भाव तदंत करने कथा कहीं तदंत करूना जो कथा कि अभियोग करमणि बराल पुव रमाकांत बराल रमाकांत बराल पुव सीधा सड़क अभियोग कर समस्त डॉक्यूमेंट सहित दस्तावेज सहित सी सीधा साल महांगा पुलिस को समस्त कथा अवगत कराई तेज कहीं पुलिस तदंत करूना अन्य पक्ष जपरी भाव घटना घटला जितेबले कि काबुआ जी होती प्रफुल्ल विश्वाला दुर्घटन मृत्यु घटीला कहगला से पुलिस जपरी भाव तदंत करने कथा तदंत कर अन्य पक्ष घटना को नहींपरी भाव प्रफुल्ल विश्वाला पर लोक मुह खोल कथा मुह खोलूना जोटिना कौटी गोटे प्रकार चाप रोची एवं आईन मंत्री प्रताप जेना को सुरक्षा देवाई सरकार ठारु आरंभ कर निजर दल स्तर में पदक्षेप निया अभियोग तेणु एटी निश्चिंत भाव जदि सरकार ओडिशा पुलिस एवं तदंतकारी संस्था जितेबले तदंत कर न्याय दे पारना जितेबले अभियोग आसुची तेणु राज्य सरकार कौन पदक्षेप नौ मंत्रिमंडल बहिष्कार कर तदंत को सामना करने निर्देश देवे किंबा जो रही सी नीति नैतिकता दृष्टि मंत्री पद छाड़े यहाँ वर्तमान राज्यवासी नजर रही कमलाकांत निवानन पूरा राज्यवासी नजर रही मंत्री निजे इस्तफा देउछंती ना बीजेडी जहाँ स्वच्छ भावमूर्ति कथा कहुच्छी फाइव टी कथा कहुच्छी मो सरकार कथा कहुच्छी यहाँ नहीं कि से मंत्री को दलर बाहर करेंगे बा नैतिकता दृष्टि प्रताप जेना निजे इस्तफा देउछंती कारण एत बड़ संगीन अभियोग आसुठ बड़ कथा जे तदंत प्रक्रिया को से एत बड़ पावर रही मंत्री पदर तो वर्तमान आप सीधा सड़क दृश्य देखिपे राजधानी आसुच्छी वर्तमान बीजेपी पक्षर विक्षोभ कर मंत्री प्रताप जेना विरोध में
महांगा डबल मर्डर घटनारे तांकर संप्रुक्ति अभियोगे बीजेपी राजरास्ता को ओल्लाइछि। मंत्री को इस्तफा एवं गिरफ्तारी दाबी करुछि दल एवं तदंत प्रक्रिया किभली भाव में निरपेक्ष हेब सेथिप्रति से नहीं बारंबार दाबी कर दल एवं आज राजधानी रे बीजेपी पक्षर विक्षोभ कराऊँगी। आपड़ सीधासख दृश्य देखिपे वर्तमान बीजेपी कर्मी को पुलिस उठाई नौ महंगा डबल मर्डर घटनारे मंत्री प्रताप जेना संप्रति अभोगे आज बीजेपी राजरास्ता को ओह्लाई गत काली आम दृश्य देखते कंग्रेस विक्षोभ कथा देखी आज बीजेपी पक्षर राजधानी में विक्षोभ प्रदर्शन चली। मंत्री इस्तफा और गिरफ्तारी दाबी करीधासख दृश्य देखिपे बीजेपी कर्मी और पुलिस मध्य कि धस्ताधस्ती होती है। पुलिस बीजेपी कर्मी मानक उठाई नौ आईन मंत्री विरोध में आईन मंत्री विरोध में जो संगीन अभियोग लगी विरोध में कार्यानुष्ठान बीजेपी पक्षर ए विक्षोभ आपण मैंने राजधानी सीधासल दृश्य देखिपुट वर्तमान पुलिस और बीजेपी कर्मी मध्य कि धस्ताधस्ती होती से दृश्य आपण मैंने देखिपुट देखते बीजेपी पक्षर विद्युत शुल्क को नहीं गोटे प्रश्न प्रसंग थिला बीजेपी रो विद्युत शुल्क को नहीं आंदोलन चलता आपड़ देखिपे प्रतिक्रिया किभली भाव में राज्य सरकार के विरोध में बर्षुंच विरोधी दल जो कर्मी रही तेरे वर्तमान पर समय सरी आम न्यूज रूम आम सहित जोड़ होते आम एसोसिएट एडिटर शिवानंद दास और भुवनेश्वर आम प्रतिनिधि प्रदीप्त जोड़ होते तेरे महांगा को नहीं कि पूरा राज्यवासी नजर रही मंत्री विरोध में कार्यानुषान हो ना से इस्तफा देना ना और सबुठ बड़ प्रश्न निरपेक्ष तदंत हो ना तेरे वर्तमान पर अर्गस न्यूज रूम समय सर मत विदाय दिंतु नमस्कार।